तो जिसमें महात्मा गांधी आए थे तो उसमें पूरा विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घिरा हुआ था, और महात्मा गांधी आए तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग किया। सहयोग करने का पीछे उनका कारण ये रहा कि वो ये सोच रहे थे कि जैसे ही अंग्रेज जीतेगा यानी कि, तो खुशी में या गिफ्ट के तौर पर, दान के तौर पर जो है भारत को आज़ाद कर देगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस क्रम को इस क्रम को समझने के लिए जो है सेकंड पेज को देखते हैं। तो सबसे पहले इस सेकंड पेज में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के सामाजिक यानी कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो उसकी स्थिति उसमें ये थी कि भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो गई थी। आप चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ जो है, जैसा कि पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है युद्ध जीतने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी। तो इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो है उन्होंने जो भारत में टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स जैसा वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि चूँकि इनको सेना की आवश्यकता होती थी तो फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, अर्थात गाँव में जाकर जो भी जवान बच्चे होते थे उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता था, उनकी मर्जी हो या ना हो, फिर भी ठीक है। फिर तीसरा देखें तो उस समय की स्थिति यह भी हुआ कि 1918 से 1918-19 से लेकर 1920-21 में जो है क्रॉप कई बार फेल हो गया, जिसके कारण क्रॉप्स यानी कि फूड ग्रेन का शॉर्टेज भी हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ का सप्लाई कमता है तो प्राइस इंक्रीज करता है, और इसके कारण फूड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देखने को मिला। इसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला, ठीक है, जिसके कारण 12 से 13 मिलियन लोग जो है इसमें मारे गए। तो ये सब प्रभाव कुछ इस तरह से था कि भारत में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की लहर सभी भारतीयों में फैला हुआ था। लेकिन प्रश्न ये है कि इस लहर के लिए और इस अंग्रेज़ों के खात्मा के लिए आवाज़ उठाए कौन, वही बात गले बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो इस क्रम में हम जो हमने देखा कि 1905 जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसमें भी जो है कई लोगों ने इस तरह से कार्य किए, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को पहले समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए, और उन्होंने वहाँ पर जिस तरह के यंत्र सत्याग्रह का प्रयोग किया उसी का प्रयोग उन्होंने जो है भारतीय कंटेस्ट में भी किया। भारतीय कंटेस्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ और सत्य की खोज, यानी कि नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। यानी कि सत्याग्रह इस विचारधारा पर बनाया गया कि जो भी सप्रेसर है, दमन करने वाला है, उसको ट्रूथ बताना हमको कि आप दमन करने वाले हो, आप किसी देश पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हो। और जिस दिन ये भावना उसके अंदर जाग जाएगी तो वो देश को छोड़ देगा और देश को छोड़कर चला जाएगा। इसी भावना को जगाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह यानी कि त्रुथ, ये जो त्रुथ है उसको अंग्रेज़ों को बता देना है, और जिस दिन वो समझ जाएगा ऐसा करके वो देश को छोड़ देगा। तो इस तरह की भावना जो है उन्होंने फैलाने की कोशिश किया। और इनके जो भी यंत्र थे तो वो जो सत्याग्रह का यंत्र था वो पूरी तरह से नॉन वायलेंस पर टिका हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का सहारा लिया, और लास्ट तक जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ इसको फॉलो भी किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है 1915 में आते हैं, जिसको आप तीसरा पेज में देख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर दिया गया है, 1915 में आते हैं। और इसी बीच में जो है वो आने के बाद जो है भारत की यात्रा करते हैं और भारत के गांव-गांव में जाकर उनकी स्थिति को, गांव के लोगों की स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में जो है 1916 में महात्मा गांधी बिहार चंपारण गए, जहां पर के किसान जो है नील की खेती, जो फोर्स जो नील की खेती करवाई जाती थी उससे प्रभावित थे। और चूँकि ये जो पूरी जो खेती थी वो पूरी तरह से शोषणात्मक थी, अंग्रेज खेती करवाते थे लेकिन उसके बदले में काफ़ी कम पैसा देते थे। और नील की खेती के साथ समस्या ये थी कि ये खेतों को बंजर कर देते थे क्योंकि इसकी जड़ें की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो बिहारी यानी कि चंपारण के लोग, बिहार के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा जो है गरीबी का शिकार हो गए थे।
इसके लिए जो है राजकुमार शुक्ल जी जो कि वहाँ के लोकल लीडर थे महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी को बोला उन्होंने कि हमको इससे मुक्ति दिलवाइए। और महात्मा गांधी गए भी और वहाँ के बिहार के गवर्नर से मिला, डिप्टी गवर्नर से, और उन्होंने जो है इससे भारत को मुक्त भी करवाया, बिहार को मुक्त भी करवाया। इसके बाद इनका अगला जो आंदोलन था वो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और ये जो आंदोलन था बेसिकली जो पीजेंट लोग जो किसान लोग थे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंग्रेज़ ज़बरदस्ती टैक्स जमा करने के लिए बोल रहा था, तो इसके खिलाफ़ जो है उन्होंने किया। फिर तीसरा जो इनका आंदोलन था अहमदाबाद मिल, कॉटन मिल था, वहाँ के मज़दूरों के मजदूरी बढ़ाने के लिए और इंसेंटिव देने के लिए जो है 1918 में महात्मा गांधी आंदोलन किया। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक करते हैं। और ये जो लगातार जो तीन आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुए, इन तीन लगातार सफलता ने महात्मा गांधी को ये साबित कर दिया भारत में कि वो एक सर्वश्रेष्ठ नेता बनने वाले हैं। 1919 में युद्ध खत्म होता है, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। उसके बाद इस क्रम में हमने महात्मा गांधी की स्थिति को समझ लिया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसा कि हमने जाना कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और वो इस आधार पर उन्होंने साथ दिया कि भाई जब अंग्रेज़ फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत लेगा तो खुशी में आकर भारत को आज़ाद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो आगे तीसरा जो पेज है उसके अंतर्गत देखें रॉलेट एक्ट। तो इस समय अंग्रेज़ों ने दो तरह के नीति अपनाई और उस नीति को हम बोल सकते हैं कैरोट एंड स्टिक की नीति। कैरोट यानी कि बंदर को कैरोट दो, गाजर दो, और जब खाने लगे तो डंटा से पीटो। यहाँ पर कैरोट का काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके अंतर्गत भारतीयों को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाया गया, और इस तरह से भारतीय के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा किया गया ताकि भारत में जो भी कानून बने उसमें जो है भारतीयों का योगदान हो। और दूसरे साइड में जो है जो स्टिक की बात की जा रही थी उस स्टिक में बनाया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था तो किसी भी व्यक्ति को जो लगता कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ है तो उनको जो है किसी भी समय उठा लिया जाए और 2 साल बिना ट्रायल यानी कि बिना जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए उसको रखा जा सकता था। अर्थात करने का मतलब है कि इस आंदोलन की आड़ में अगर अंग्रेज चाहता तो किसी भी व्यक्ति को घर से उठा के मार भी सकता था, जेल में डालने के नाम पर कहीं और भेज देता था, कई बार जान से मार देता था। इस हार्स कानून के खिलाफ भारतीय जो है उन्होंने विरोध भी किया परंतु इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस स्थिति को देखते हुए 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने पहली बार रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया, और ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुआ क्योंकि इसी आंदोलन में रैली ऑर्गेनाइज किए गए, रेलवे वर्कशॉप हो उसको बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन के जितने भी सेंटर है काट दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी काम हुआ उसका विस्तार शहरों तक था, गाँव तक नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी की पहुँच अभी तक शहरों में थी, गाँव में नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जो भी हो स्थिति ये थी कि महात्मा गांधी का ये जो भी आंदोलन था काफ़ी सफल रहा। कई जगह पर अनपीसफुल प्रोसेसन भी हुए। इसी क्रम में अमृतसर में जो है फायरिंग भी हुआ 10 अप्रैल को। तो स्थिति ख़राब जब अमृतसर में हो गई तो इसको देखते हुए वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे जनरल डायर, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। जब उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया तो इसी बीच में जो है रॉलेट एक्ट के तहत जो है अमृतसर के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग में जो है प्रोसेसन कर रहे थे, जबकि जैसा कि हम लोग पहले भी जाने के वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो मार्शल लॉ जब लगा हुआ था तो एक साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते थे, लेकिन फिर भी लोग जमा हुए। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि यही 13 अप्रैल को जो है बैसाख का मेला लगा हुआ था। बैसाख का जो वार्षिक मेला लगता है, चूँकि उस जहाँ पर जलियांवाला बाग है उसी के जस्ट बगल में जो है गुरु नानक यानी कि अमृतसर का जो टेंपल है गोल्डन टेंपल वो भी है, तो लोग बैसाख के फेयर में जो है लोग वहाँ पर मत्था टेकने गए थे। और जब लौट रहे थे तो उनको लगा कि किस चीज़ का भीड़ है, तो जलियांवाला बाग में प्रवेश कर गया। जलियांवाला बाग जो है चारों तरफ जो है बिल्डिंग से घिरा हुआ था, उसका एकमात्र रास्ता था
वहाँ पर लोग जमा होकर उनके गिरफ्तारी के खिलाफ जो है चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में जो है जनरल डायर जो अपने पुलिस वाले के साथ आया और बिना किसी सूचना के गोली चलाना उसने शुरू कर दिया, जिसमें ऑफिशियल अगर बोला जाए तो 279 लोग मारे गए थे, परंतु अगर ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए, अगर भारतीयों के जवान से समझाए तो हजारों लोग डायरेक्ट गोली के शिकार हुए और कुछ लोग बचने के लिए वहाँ पर एक कुआं था उसमें कूद गए। कई लोगों के हाथ पैर जो है हमेशा के लिए कट गए। तो इन सब की स्थिति को देखते हुए पूरा भारत शॉक हो गया कि अंग्रेज़ ऐसा भी कर सकता है। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है महात्मा गांधी ने जो साथ दिया था इसके लिए महात्मा गांधी को जो है हिंद कैसर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसको लौटा दिया गया। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसको लौटा दिया गया। और पूरे भारत में जो है अवार्ड वापसी का एक सिलसिला चल पड़ा। अंग्रेज ने इसको देखते हुए कमीशन भी बनाया और कमीशन में जब पूछा गया जनरल डायर से तो तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक खौफ पैदा करना चाहते थे। लेकिन इस खौफ में जो है उसने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। हलता उसको जनरल डायर को जो है भारत से वापसी होना पड़ा। और जब ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा जब नॉन वायलेंटिक हो गया तो महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। इसी बीच में एक घटना और घटती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। अभी हम जो भी देख रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक और घटना होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और वो घटना होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ जीत जाता है और इसका विपक्षी जो तुर्की था, जहाँ पर ओटोमन एम्पायर यानी ओटोमन साम्राज्य जैसे मुग़ल साम्राज्य होता है उसी तरह से ओटोमन एम्पायर का शासन था। और सबसे बड़ी बात है कि ओटोमन एम्पायर के जो भी राजा होते हैं वो पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा होते थे। तो जैसे ही जो है अंग्रेज़ जीत लेता है तो वो जो है क्या करता है, ओटोमन एम्पायर के राजा को गिरफ्तार करके उसके साथ बदसलूकी करता है। तो जब बदसलूकी होता है तो पूरे विश्व के मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम के बीच में जो है अंग्रेज़ों के प्रति एक एंटी भावना, एंटी सेंटिमेंट पैदा होता है। और वो सभी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जो है वहाँ के जो राजा है तुर्की के, उसको जो पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा कहलाता था, उसको मुक्ति दिलवाया जाए। तो इस तरह के आंदोलन का जो है भारत में नेतृत्व दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। और इसके लिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बॉम्बे में मार्च 1919 में बनाया। और वो चाह रहे थे कि किसी तरह से इस तरह से मुक्ति दिया जाए, जो नेक्स्ट पेज में अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। महात्मा गांधी चूँकि उन्होंने जो है 6 अप्रैल का जो हड़ताल रॉयल टायर के खिलाफ किया था, तो उन्होंने इस आंदोलन में देखा कि लोग अभी भी आंदोलन के लिए उतने तैयार नहीं है, केवल शहर में ही लोग जो है प्रेरित होते हैं। तो उनको लगा कि जब तक ये आंदोलन मास आंदोलन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल सकता। इसी क्रम में उन्होंने जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत में लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक अच्छा मौका समझा इसको। और उन्होंने जो है मुस्लिम को एक साथ लेने के लिए उन्होंने जो भी ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट, उसका साथ दिया। और साथ देने के बाद दोनों जो मूवमेंट जो है कुछ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में निकला, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने साथ देने के लिए जो है, पहले तो वो कांग्रेस के मेंबर थे तो कांग्रेस को साथ देने के लिए जब कांग्रेस का सेशन चला कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में, तो उसमें जो है इन्होंने इस बात को रखा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का जो मीटिंग होता है वो साल में एक बार दिसंबर में होता है, लेकिन यहाँ पर सितंबर में दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है कि कभी कभी जब बीच में जब ऐसी कोई स्थिति थी होती थी कि कोई खास निर्णय होता था तो कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो कहीं कहीं भारत के अलग अलग शहरों में बैठते थे, लेकिन साल में एक बार दिसंबर में मीटिंग ज़रूर होता था। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को समझने का प्रयास करें।